कना से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माजिद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब आप जो है, वालेकुम सलाम, आप कॉप को प्रॉपरली कवर करते आ रहे हैं, तो थोड़ा तो पहले आसान लफ्ज़ों में समझाइएगा कि ये इस कॉप से क्या उन मुल्कों को वाकई में फ़ायदा भी पहुंच रहा है, क्योंकि इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ रिगार्डिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग, तो क्या वो उस रीत में हो पा रही है? चूँकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दरकार हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिनको क्लाइमेट क्राइसिस को अभी चैलेंज मुंह देना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अच्छा, कॉप हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस साल उसका 29th एडिशन है। ये शॉर्ट फॉर्म बनता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये 1992 में यूएन के अंदर एक ट्रीटी की गई थी जिसमें अब तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक मेंबर्स हैं। ये कुछ बेसिक्स समझने की जरूरत है। एम इसका है क्लाइमेट चेंज को किस तरह हमने एड्रेस करना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फ्लड्स ज्यादा आते हैं, ड्राउट ज्यादा आते हैं, या जैसे आजकल पाकिस्तान में स्मॉग का मसला, ये सब क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। क्योंकि ये एनुअली होस्ट होता है, तो इस साल ये आज़रबाईजान में होस्ट किया जा रहा है, और जैसे कि आपने कहा, इस साल का थीम इसका क्लाइमेट फाइनेंस के अराउंड है। क्लाइमेट फाइनेंस में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो क्लाइमेट से ज्यादा इम्पैक्टेड कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज या जो इमिट ज्यादा कर रही हैं उनसे प्राइमरली कहते हैं जी हमें आप फाइनेंस करें कि हम किसी तरह अपने जो लॉसेज हैं उन्हें मिटिगेट कर सकें या अडेप्टेशन की तरफ जाएं। अडेप्टेशन मीनिंग कि कहीं पे डिजास्टर आ गया तो आइंदा के लिए लोग अपने आप को अडेप्ट कर लें। क्लाइमेट फाइनेंस क्या हमें जितना रिक्वायर्ड है मिल रहा है? तो इन शॉर्ट नो। इसी रिलेशन में इस साल NCQG, ये न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के ऊपर डिस्कशन होनी है। ये बेसिकली इन सिंपल टर्म्स एक मीटिंग होगी। अच्छा, तमाम मुल्क इसके मेंबर्स होंगे। ये 20 इससे पिछली दफा डिसाइड हुआ था 2020 से 2025 में हर साल $100 बिलियन डेवलपिंग या क्लाइमेट इम्पैक्टेड ममालिक में दिए जाएंगे कि वो कॉम्बैट कर सकें क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को। ये पैसा काफी नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये $100 बिलियन डिस्पर्स हुए भी नहीं। राइट, अब हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। अब गोइंग इनटू 2030 एटलीस्ट $1 ट्रिलियन चाहिए एनुअली सिर्फ ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स को मीट करने। अच्छा, एक और सवाल, आप बिल्कुल हमें प्रॉपर डिटेल्स देते जा रहे हैं, समझाते भी जा रहे हैं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे हम भी कुछ रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड हैं डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट क्राइसिस को फेस करने के लिए। व्हाई डू वी रिक्वायर मनी फॉर दैट? क्लाइमेट क्राइसिस को फेस करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्यों जरूरी है? उससे क्या फायदा पहुंच सकता है? क्या उस वही एक हल है या उसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशंस मौजूद हैं ग्राउंड में? बेसिकली दुनिया में कोई भी काम करने के लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए। इसकी मैं एक मिसाल पाकिस्तान की दे देता हूँ। पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स है। ये फ्लड्स आने की प्राइमरी रीजन क्लाइमेट चेंज थी या ग्लोबल वार्मिंग थी। इन फ्लड्स की वजह से वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स के मुताबिक $30 बिलियन का लॉस। राइट, ठीक है, ओके, इजाजत दीजो डॉक्टर माजिद तमाम ब्रेक पर था, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक लूँ, ब्रेक से वापस आके आपका जवाब हम मुकम्मल तौर सुनेंगे। सुनाजी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक का वापस अच्छी गुफ्तगू जारी।